हेलो गाइस गाइस, आज के वीडियो में यार हम लोग देखेंगे इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड और फेयर वैल्यू गैप एफवीजी। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, साथ में ही गाइस इन तीनों के पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है आपका इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप के लिए, और कितने तरह के आपके फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स हम लोग किसको बोलेंगे, कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारा बहुत सही तरीके से काम करेगा, क्राइटेरिया क्या है, और भी बहुत कुछ गाइस। ये जान जाओ कि आपका इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप का कंप्लीट जीरो से लेकर के पूरा का पूरा एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट जो आज तक यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया है, वो भी लॉजिक और रीजन के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो आपको गलत भी पढ़ाया, इसीलिए आपके लिए एफईजी और इंबैलेंस काम नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद। तो गाइस आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग कंप्लीट, अगर मैं बात करूँ ना फेयर वैल्यू गैप और इंबैलेंस जो होता है ना, ठीक है, और लिक्विडिटी वॉइड, ये कंप्लीट बहुत ही डीपली में मैं बात करूँ, ठीक है, आपका जो कहते हैं ना कंप्लीट, बहुत ही डीपली में बात करना, बहुत डीपली में। और आप यहाँ पर देख सकते हो यार कि हमने कितने सारे पीपीटी बनाया, यहाँ पर लॉजिक क्या है, क्यों फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट हमेशा आकर के रिवर्स करती है, ये जान जाओ गाइस कि अगर डीपली में अगर आप इंबैलेंस और फेयर वैल्यू गैप को समझ गए तो ये समझ लेना ना कि मार्केट कहां तक आपका रिवर्स आएगी और फिर एग्जैक्ट मार्केट कहां से आपका ऊपर जाएगा, वो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस लेवल से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आईसीटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि आपको कभी भी एफवीजी में और आपको इंबैलेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगा, और आप लोग एग्जैक्ट समझ पाओगे कि मार्केट जो पुल बैक देगी वो एग्जैक्ट कहां तक देगी और फिर मार्केट क्या करेगी, आपका रिवर्स करेगी। ठीक है, वो मैं बात करूंगा। फिर टाइप ऑफ एफवीजी पे आपका बीसी क्या होता है, सेबी क्या होता है, आपका कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट क्या होता है, जब भी फेयर वैल्यू गैप का बहुत बड़ा एरिया बन जाए तो हम लोग उसमें कैसे ट्रेड करेंगे, वीक फेयर वैल्यू गैप किसको बोलेंगे, स्ट्रांग किसको बोलेंगे, ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप जो है होता है वो कैसे, कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा, हमारे पास में बहुत सारे हमें चार्ट में मिल जाते हैं, ठीक है, और प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन से लेकर के आपका नियर स्विंग पुल, बहुत कुछ, बहुत सारे स्ट्रेटजी, ये सब कुछ के साथ में गाइस, ये समझ लो बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है उसके साथ में लाइव मार्केट में इसे मैं अप्लाई करके आप लोगों को क्या दिखाऊंगा। तो यहां से आप लोग समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो भी एकदम पूरा बेसिक से पूरा एडवांस लेकर के चलूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, इंबैलेंस एंड लिक्विडिटी अवॉइड, लिक्विडिटी अवॉइड, सॉरी गाइज, यहां पर जो है ना वो ये होगा आपका ए नहीं होगा, ठीक है ना, वाइड होता है, ठीक है, वी ओ आई डी, वाइड होता है, ठीक है, वाइड, लिक्विडिटी वाइड, ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है। बट उससे पहले गाइज मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट आखिर चलता कैसे है, ये सारे आप लोगों को पता है मार्केट कैसे चलता है भाई, हाई लू, हाई लू, हाई लू, इसे जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं, इसे जिगजैग करते हुए मार्केट चलती है, मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है आपका। उसी तरह से नीचे भी जब आना होता है तो कैसे मार्केट नीचे आती है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से मार्केट आपका क्या आती है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। साथ में यहां पर बताना चाहूंगा कि देखो जब मार्केट आपका इस तरह से चलेगी तब तो बहुत अच्छी बात है, क्या तब तो बहुत सही बात है, बट दिक्कत कहां है ना कि जैसे ही मार्केट, बहुत बार आप क्या देखोगे मार्केट में, मार्केट स्पीड से मूव कर गई है, ठीक है, मार्केट स्पीड से मूव कर गई है, छोटा सा पुल बैक देकर फिर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो दिक्कत यहां पे है कि देखो अगर मार्केट अगर इस तरह से चल रही है तो मार्केट आपका बैलेंस में है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इनबैलेंस क्या होता है कि जैसे ही आपका मार्केट अगर इस तरह से न चल करके इस तरह से चले भाई और स्पीड में ऊपर जाए, थोड़ा सा पुल बैक दे फिर ऊपर जाए, ठीक है, तो दिक्कत यहां पे है। अगर स्पीड में मार्केट ऊपर जाने लगेगी या फिर स्पीड में मार्केट कहीं से नीचे आए, ठीक है, छोटू सा एकदम पूरा पुल बैक दे, आपका मतलब अच्छा पुल बैक दे ही ना, मतलब मार्केट को कैसे चलना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, फिर अच्छा खासा नीचे पुल बैक दे फिर ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट का तो चलने का तरीका ये है। बट जब भी मार्केट आपका इस तरह से ना चल करके एक ही डायरेक्शन में स्पीड में पूरा ऊपर चली जाए या फिर स्पीड में पूरा नीचे आ जाए, वहां पे आपका होता है मार्केट का इंबैलेंस, मतलब मार्केट अपना बैलेंस में नहीं है, मार्केट अपना संतुलन में नहीं है, इसे हिंदी में बोलते हैं संतुलन में नहीं है, असंतुलन है आपका, मतलब मार्केट सही तरीके से नहीं चल रही है,
समझ रहे हो, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है मार्केट में। मार्केट में क्या आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, इसी को हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं। जब कहीं भी मार्केट स्पीड में एक ही डायरेक्शन में आपका चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे आपका नीचे की तरफ हो मूव करेगी, मार्केट क्या करेगी आपका इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, डोंट वरी, इसे हम लोग और भी डीपली में भी देखेंगे। ठीक है, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अभी इसे हम लोग और डीपली में देखेंगे। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आखिर हम लोग चार्ट पर कैसे पहचानेंगे इम्बैलेंस को। ठीक है, हम लोग इम्बैलेंस को चार्ट पर कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला चीज समझ लेना, देखो शार्पली मूवमेंट होना चाहिए अब सेम कलर ऑफ कैंडल्स का। क्या सेम कलर ऑफ कैंडल्स का? क्या शार्पली मूवमेंट, मतलब कि एक ही तरफ मान लो कि कैंडल बन रहा है, एक ही तरफ में स्पीड, मान लो अगर मार्केट को नीचे गिर रही है, मार्केट समझो इस बात को, मार्केट अगर आपका नीचे गिर रही है स्पीड में नीचे गिर गई, ऊपर जा रही है स्पीड में ऊपर चली गई। समझ रहे मेरी बात को? अगर नीचे गिर रही है स्पीड में नीचे गिर रही है, ऊपर जा रही है स्पीड में ऊपर जा रही है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशंस में क्या होगा आपका इंबैलेंस क्रिएट होगा। कभी भी याद रखना इंबैलेंस अगर आपका इस तरह का कैंडल बनेगा ना, इस तरह की चीजें अगर बनेंगे धीरे धीरे ऊपर नीचे धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा, तो जनरली आपका इंबैलेंस नहीं क्रिएट होगा। इंबैलेंस क्रिएट ही होता है इस तरह के बड़े बड़े कैंडल्स और वोलेटाइल कैंडल में, इस तरह के बड़े बड़े कैंडल्स और वोलेटाइल कैंडल में ही आपका इंबैलेंस क्या क्रिएट होगा। ठीक है, ओके। साथ में दूसरा जो यहां पर क्राइटेरिया है वो ये है कि इन जितने ये जितने भी कैंडल्स होंगे, ये कैंडल्स का आप ध्यान रखना कि वीक जो होगा ना एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। अब एक दूसरे को टच यहां पर वीक ना करने का मतलब है कि देखो ये जो कैंडल का जो ये जो कैंडल होगा ना आपका, ठीक है, इसका वीक जो है वो आपके एक कैंडल छोड़ करके दूसरे कैंडल के वीक को टच नहीं करना चाहिए। ये समझ लो, देखो मैं यहां पर बोलने का मतलब है ना कि देखो यहां पर हमारे सामने इंबैलेंस बताता हूं कहां कहां टच होगा, कहां क्रिएट होगा। देखो मान लो यहां पर हमारे पास भी कितने कैंडल है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये रेड वाला पांच हो गया, ये ग्रीन वाला छह हो गया। ठीक है, एक, ठीक है, अब क्या पहला कैंडल का जो वीक है वो तीसरा कैंडल का आपका टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा कैंडल का जो वीक होगा वो आपका पांचवा कैंडल को टच नहीं करना चाहिए, फिर दूसरा कैंडल का जो वीक होगा वो आपका चौथा कैंडल को टच नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब कि एक कैंडल छोड़ करके दूसरा का जो वीक होगा ना, एक कैंडल छोड़ करके मान लो पहला कैंडल ले रहे, ठीक है, तो दूसरा कैंडल छोड़ दो और तीसरा कैंडल के वीक के साथ में टच नहीं करना चाहिए। देखो जिस तरह इसका वीक कहां पे है, यहां पे है, तीसरा का वीक कहां पे है, यहां पे है, तो देखो दोनों के बीच में गैप है। दोनों के बीच में क्या है गाइस, दोनों के बीच में अगर आप लोग अगर गौर से अगर देखोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, दोनों के बीच में आप लोगों को, वेट अ मिनट गाइस, कहां पे चला गया, ओके एक मिनट हो गया, देखो अभी बताता हूं आपको। देखो यहां पर ध्यान दो, अगर यहां पर ध्यान दे पाओगे, पहला कैंडल का वीक यहां पे है जो आपका तीसरा, पहला दूसरा छोड़ देना है, दूसरा पर क्या करना है छोड़ देना है, तीसरा लेना है, तीसरा कैंडल का वीक कहां, यहां पे है, दोनों के बीच में गैप है। आप लोग बोलोगे हाँ गैप है, मतलब कि क्या ये इंबैलेंस है, ये क्या है, ये पूरा पूरा इंबैलेंस है। फिर दूसरा कैंडल लो और तीसरा कैंडल, दूसरा कैंडल का वीक यहां पे है, तीसरा कैंडल का वीक कहां, यहां पे, दोनों बीच में गैप है। आप लोग बोलोगे हाँ, फिर हम लोग क्या ये कैंडल को पकड़ू, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ये कैंडल को हम लोग क्या करेंगे पकड़ेंगे। देखो ये कैंडल का अगर मैं बात करूं, ये कैंडल का अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं मैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये कैंडल का वीक यहां पे और ये कैंडल यहां पे, क्या दोनों में गैप है? आप लोग बोलेंगे हाँ सर इजीली से गैप है यहाँ पे, ठीक है, तो यही यही बैलेंस, यही इसी को बोलते हैं इम्बैलेंस। जब भी एक कैंडल छोड़ करके दूसरे कैंडल में, जब भी एक कैंडल छोड़ करके दूसरे कैंडल में अगर आपका गैप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इम्बैलेंस। एक कैंडल छोड़ करके दूसरे कैंडल में गैप होगा तो क्या बोलेंगे उसको इम्बैलेंस बोलेंगे। इम्बैलेंस और लिक्विडिटी अवॉइड दोनों एक ही है, ठीक है, लिक्विडिटी अवॉइड और अवॉइड ने यहां पर वी वॉइड होगा, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड, इंबैलेंस और लिक्विडिटी वॉइड दोनों आपका एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आपने बोलोगे सर इतना नाम अलग क्यों है, डोंट वरी गाइज, इसके बारे में मैं डिटेल में मैं आगे चल करके बताऊंगा कि आखिर इसका नाम इतना अलग क्यों है, लिक्विडिटी अवॉइड क्यों बोला जाता है, इसके बारे में फिर से मैं आऊंगा, फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, शार्पली मूवमेंट ऑफ सेम कलर कैंडल एंड वी कांट टच टू ईच अदर, जो भी ये और जहां तक ये सीनेरियो मैच करेगा उसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर दो, वही आपका क्या होगा इंबैलेंस होगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा इंबैलेंस होगा। अब इंबैलेंस और लिक्विडिटी वाइड तो हो गया, लिक्विडिटी वाइड उसी को बोलते हैं इंबैलेंस को ही बोलते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपका एफ वी जी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है।
देखो इसमें और आपका इंबैलेंस में डिफरेंस है, ठीक है, और आपका लिक्विडिटी वॉइड में डिफरेंस है, फेयर वैल्यू गैप में डिफरेंस है। देखो फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में क्या है, रिफाइन जोन है इंबैलेंस का, क्योंकि देखो इंबैलेंस मार्केट कितना दे देती है, अगर आप अगर गौर से अगर यहाँ पर देखोगे इतना बड़ा एरिया दे दिया, अब आप मुझे बताओ क्या इतना बड़ा एरिया पे क्या हम लोग ट्रेड कर पाओगे, कहां से एंट्री लोगे, कहां पे स्टॉप लॉस रखोगे, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो अब एफवीजी क्या करेगा, आपका एफवीजी क्या करेगा, ये जो एरिया है ना यहां पे इस तरह से निकाल करके एरिया दे देगा कि ये इतने बड़े एरिया में ये है आपका सबसे काम का एफवीजी, ये एरिया है जहां से मार्केट घूमेगी, इस तरह का एक एरिया दे देगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। एफवीजी करता क्या है, एफवीजी का काम है इंबैलेंस के अंदर आपका क्या करेगा, एक एरिया निकाल करके आपको देगा, और वो एरिया आपका सबसे अच्छा रहेगा, सब आपका वो एरिया से ही मार्केट, आपका वो एरिया मार्केट फील करेगी, और मार्केट वहां से क्या करेगी, आपका रिवर्स कर जाएगी, ये बात समझ लेना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में आएंगे। सबसे पहले मैं ये सिखा देता हूं आप लोगों को कि आखिर फेयर वैल्यू गैप निकालते कैसे हैं। देखो इंबैलेंस निकालना मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूं। तो देखो फेयर वैल्यू गैप निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें तीन कैंडल चाहिए, हमें क्या चाहिए, तीन कैंडल चाहिए। अब ये तीन कैंडल कोई भी हो सकता है, कहीं से भी पुल बैक पे, बीच मार्केट में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में, कहीं से भी ले लो, तीन कैंडल पकड़ो। अब ये तीन कैंडल में आपको क्या करना है, देखो एक दो तीन, तो जो फर्स्ट नंबर कैंडल होगा और जो थर्ड नंबर का जो कैंडल होगा ना उसका वीक आपस में टच नहीं करना चाहिए, दोनों के बीच में अगर गैप रहेगा, ठीक है, देखो जब आपका अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है, तो वीक लेना है ऊपर वाला, फर्स्ट कैंडल का अपर वीक, थर्ड कैंडल का लोअर वीक, ठीक है, थर्ड कैंडल का लोअर वीक, दोनों में देख लेना गैप होगा तो यहां पर क्या होगा आपका एफवीजी होगा। जैसे यहीं पर देखो अगर मैं बात करूं, मैं ये तीन कैंडल ले लू, ये तीन कैंडल पकड़ू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट कैंडल का हाई कौन सा होगा, ये होगा, इसको ले लो, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का क्या हाई ले लू, सेकेंड कैंडल का लो कौन सा होगा, ये होगा, इसको ले लो। क्या ये दोनों के बीच में गैप है, आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये रहा इतना बड़ा गैप है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एफवीजी, इसी को क्या बोलते हैं एफवीजी। तो एफवीजी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तीन कैंडल चाहिए। गाइस एफवीजी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें तीन कैंडल चाहिए, तीन कैंडल कहीं से भी आप ले सकते हो, कोई भी कलर का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उस वक्त में अप ट्रेंड में दिखाया था, चलिए डाउन ट्रेंड में दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो मान लो यहीं से हम लोग तीन कैंडल ले लो ऊपर से, ये क्या करो तीन कैंडल को ले लो, ठीक है, तीन कैंडल को ले लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब क्या चाहिए, फर्स्ट कैंडल का जो लो होगा, फर्स्ट कैंडल ये हमारा, ठीक है, इसका लो कहां पे है, वीक कहां लगा है, यहां पे, और थर्ड कैंडल का जो हाई है, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, कि गैप है, ये तो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया इसको, अगर आप देखोगे तो ये थर्ड कैंडल का हाई यहां पे है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल है तो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया इसको, तो ये आपका नहीं है एफवीजी। यहां पे क्या आपका कोई एफवीजी नहीं है, फेयर वैल्यू गैप ये तीनों में नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई भी कैंडल पकड़ लो, ठीक है, कोई भी कैंडल पकड़ो, ठीक है, कोई भी कैंडल ले लो, चलो हम लोग लेते हैं कैंडल, देखो यहीं पे ले लो हम लोग, ठीक है ना, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग तीन कैंडल को पकड़ते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, क्या तीन कैंडल्स हम लोग पकड़ेंगे, रेड वाला, एक ग्रीन, दूसरा रेड। तो आप लोग बोलोगे सर ऐसा ले सकते हैं क्या, जी आराम से ले सकते हो, कोई भी कलर का कहीं से भी ले लो, ठीक है ना। देखो जब याद रखना इस बात को, ठीक है, जब डाउन ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड में क्या करना है ना कि पहले आपको वीक का लो लेना है, फर्स्ट कैंडल को, जो फर्स्ट कैंडल रहेगा उसका वीक का क्या आपको लो लेना है, ठीक है, और जो थर्ड कैंडल होगा उसका हाई पकड़ना है, थर्ड कैंडल का क्या उसका हाई पकड़ लो, फर्स्ट कैंडल का वीक लो, थर्ड कैंडल का हाई लो, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर बताने में मैं भूल गया था कि आपका जो फर्स्ट कैंडल होगा उसका लो लेना है और थर्ड कैंडल के हाई को डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में क्या करना है, मान लो ये अप ट्रेंड है, ये तो साफ साफ दिख रहा है अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है, फर्स्ट कैंडल का क्या करना है हाई ले लो, और थर्ड कैंडल का क्या करो लो ले लो, बस डिफरेंस सिंपल सा है, ठीक है ना। देखो डाउन ट्रेंड में लो, फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, अप ट्रेंड में क्या हाई लेना है, फिर थर्ड कैंडल का इसमें हाई लेना है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, और फिर इसमें क्या करना है थर्ड कैंडल का लो लेना है, इसके बीच में देखो डिफरेंस है, तो ये आपका हो गया एफवीजी, ये क्या हुआ आपका एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और यहां पर आपका मार्केट आएगी और यहां से मार्केट फिर आपका क्या बाद में रिवर्स होगी, ठीक है, ये भी काम
बहुत सही तरीके से करता है, ठीक है, बहुत सही तरीके से करता है। अगर मैं अगर आपको मार्केट में दिखाऊं तो देखो ये रहा गोल्ड का एकदम लाइव मार्केट है, आपका निफ्टी में भी दिखा सकता हूं, आपका बिटकॉइन में भी दिखा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो रिसेंट मार्केट से ही देखो आप, ठीक है, यहां पर आपका फर्स्ट कैंडल, देखो यहां पर कैंडल पकड़ो, ठीक है, यहां पर कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये ग्रीन वाला, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखो इतना गैप है, इतना गैप है, हो गया। देखो यहां से मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक है, ओके। यहां पर देखो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट में और थर्ड में गैप है, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किए, देखो फेयर वैल्यू गैप से क्या हुआ, मार्केट आपका नीचे आ गया, ठीक है, मार्केट क्या हुआ आपका नीचे आ गया। फिर देखो यहीं पर ले लो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर ड्रॉ किए, देखो यहां से मार्केट क्या किया, पंप किया, ज्यादा नहीं किया बट पंप किया। उसी तरीके से यहां ले लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, मार्केट यहां पर आई, फिर देखो यहां से पंप किया, ठीक है, बीच में गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। देखो एकदम पर लाइव मार्केट, देखो कहते हैं रीसेंट मार्केट से जितना फेयर वैल्यू गैप है सारा का सारा मैं क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं, ठीक है। अभी दिखाऊं तो अभी लाइव मार्केट में आपको फर्स्ट सेकंड नहीं है, इधर है ही नहीं, ठीक है, वरना मेरे को लगा था कि यहां पर होगा बट यहां पर है ही नहीं, ठीक है, यहां पर क्या नहीं है आपका, ओके। देखो यहां पर आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहां पे आपका फेयर वैल्यू गैप है, आप देख सकते हो गाइस बहुत सही तरीके से एफवीजी काम करता है, रियली बोल रहा हूं, फेयर वैल्यू गैप काम करता है, ठीक है ना, ओके। फेयर वैल्यू गैप क्या है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर आप तो यहां पर केवल फेयर वैल्यू गैप आपने दिखाया, आपने इंबैलेंस नहीं दिखाया, तो गाइस देखो इसी के अंदर देखो अगर इंबैलेंस अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो गाइस आपका जो इंबैलेंस होगा ना इसी के अंदर ड्रॉ होगा। देखो जैसे कि इंबैलेंस अगर आप लोग देखोगे तो इंबैलेंस आपको कैसे मिलेगा, बता देता हूं, इंबैलेंस आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया इस तरह से, ठीक है, ये रहा आपका इंबैलेंस, ठीक है, ये हो जाएगा इंबैलेंस और उसके अंदर क्या ये एरिया में दो मिल गया फेयर वैल्यू, समझ रहे हो। तो इसीलिए इंबैलेंस पे ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है, मेरे को मेरा काम था बताना कि क्या होता है, ठीक है, बट अगर इंबैलेंस अगर नहीं ड्रॉ करोगे आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चीजें पढ़ोगे माथा में होता ना कंफ्यूजन आएगा, इसीलिए इंबैलेंस को ड्रॉ करना कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो क्या यहां पर हुआ क्या कि हमारा देखो ये एक छोटा छोटा एरिया मिल गया हमारे पास में दो, इसके ऊपर ट्रेड करना आसान है, इसके ऊपर क्या आप ट्रेड कर सकते हो इजिली से यहां से, और यहां से आप ट्रेड कर पाओगे। बट वही अगर अगर आपको अगर मैं अगर इस तरीके से यहां से लेकर के पूरा का पूरा इतना बड़ा अगर एरिया दे दूंगा मैं आपको, मैं ठीक है इतना बड़ा अगर एरिया अगर मैं अगर आपको दे दूंगा, सॉरी इतना बड़ा एरिया, ठीक है, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप ट्रेड क्या नहीं कर पाओगे, नहीं समझ में आएगा कहां से मार्केट घूमेगी और कहां से मार्केट आपका नहीं घूमेगी, ठीक है। इसीलिए इंबैलेंस को आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इंबैलेंस को छोड़ दो, ज्यादा चीजें मत पढ़ो, ठीक है, इंबैलेंस को आप लोग बस देखो पता होना चाहिए क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, जी हाँ है, इंबैलेंस के अंदर जो मेन जो एरिया होता है वो होता है एफवीजी आपका होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है। तो इंबैलेंस को चार्ट पर ड्रॉ मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आपका फेयर वैल्यू गैप आसान है और बेहतर तरीके से काम भी आपका करता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, देखो कितने बेहतर तरीके से फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिवर्स करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि फेयर वैल्यू गैप हमेशा मार्केट को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, खींचता है मार्केट को। कभी भी याद रखना कि देखो यहां पर मैं बोलने का मतलब है कि देखो मार्केट मान लो यहां से गई, ठीक है, यहां पे है आपका मान लो एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है यहां पे, ठीक है, मार्केट क्या होगा पता आपका, मार्केट ये फेयर वैल्यू को टच करके और फिर मार्केट यहां से आपका ऊपर जाएगी, ऐसा होता है, ये रियलिटी है, ये 90% होता भी है, ठीक है, मार्केट बार बार फेयर वैल्यू गैप को टच करके और फिर मार्केट जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी आगे चल करके मैं आप लोगों को वही सब बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो यहां से आप लोगों को समझ में आया कि देखो ये आपका पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप था, सॉरी इंबैलेंस था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये आपका एफवीजी फेयर वैल्यू गैप हम लोगों ने निकाला। तो गाइस अभी अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर एफवीजी मार्केट को क्यों अट्रैक्ट करता है मैग्नेट के जैसा। मैंने क्या बोला अभी कि मान लो कि ये एरिया है हमारा, ठीक है, यहां से पंप करिए, यहां पे अगर आपका एफवीजी होगा, ठीक है, मार्केट आएगी एफवीजी को टच करेगी फिर मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी। तो आखिर ये मार्केट एफवीजी पे आती क्यों है, ठीक है, वो मैंने भी दिखा दिया, आती है, ठीक है। और साथ में ही अगर मैं बात करूं आखिर इसके बाद मार्केट रिवर्स क्यों हो जाती है, यहां से आखिर रिवर्स क्यों जाती है, उसका मैं बात करता हूं। और आखिर एफवीजी होता क्या है, अभी तक मैंने नहीं बात किया एफवीजी होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। ये तीनों का आंसर अभी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है गाइस, अगर मैं बात करूं एफवीजी का, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का अगर मैं बात करूं, तो माइकल एक व्यक्ति है, जो ये कौन है माइकल ने ही आईसीटी का कॉन्सेप्ट दिया, ऑथर, ठीक है, आईसीटी जो आप पढ़ रहे हो ना, आईसीटी, ये आईसीटी कॉन्सेप्ट दिया कौन है, ये दिए हैं माइकल ने, ठीक है, आईसीटी कॉन्सेप्ट दिए माइकल ने। सबसे पहला वीडियो में मैंने माइकल का नाम लिया था, फोटो भी दिखाया था, जा करके देख लेना, ठीक है। अब माइकल क्या बोलते हैं कि मार्केट जो है ना हमेशा चलती है, वो चलती है ERL टू IRL, ERL और IRL क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी
टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब ये क्या है, देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है, मार्केट चलती है हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी चलती है। अब गाइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर, वो है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं क्या करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना। देखो कभी भी अगर आप आईसीटी पढ़ रहे हो तो आप लोग एक काम जरूर करना है, एसएमसी का प्लेलिस्ट होगा उसे देख लेना, तब आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो माइकल क्या बोलते हैं कि मार्केट जो है ना वो आपको आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में चलती है, ठीक है। अब ऐसा कैसे होता है वो चलो समझाता हूँ, डीपली में समझाता हूँ कि कैसे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज में लिक्विडिटी में चलती है। देखो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मार्केट कैसे चलती है, मार्केट हमेशा आपका इस तरीके से चलती है, आ रहा है लो, आ रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से मार्केट क्या हमेशा हमारा क्या करती है, चलती है। तो क्या अब आप लोगों को क्या पता है कि आखिर मार्केट ऐसा क्यों चलती है इस तरीके से, क्या कोई बता सकता है? गाइस जिसे आंसर पता है वीडियो रोक करके मुझे बताओ कि आखिर जब मार्केट को ऊपर ही जाना है, समझना इस बात को, आखिर जब मार्केट को आपका ऊपर ही जाना है तो मार्केट भाई सीधा सीधा क्यों नहीं चली जाती है, मार्केट आखिर आपका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से क्यों जाती है, ये मैंने एक वीडियो में बताया भी है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, ओके। तो मैं बताता हूँ, देखो गाइस क्या होता है, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, आपका यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से आपका ऊपर गई, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। फिर कुछ लोग होंगे भाई जो यहाँ से लॉन्ग करेंगे, कुछ लोग यहाँ से लॉन्ग करेंगे, कुछ लोग यहाँ से लॉन्ग करेंगे, कुछ लोग बीच मार्केट में भी दौड़ते हैं, आप लोगों को पता है इधर इधर छोटा छोटा पुलबैक मिलेगा वहां पर एंट्री बना देंगे, यहाँ पर मान लो छोटा सा पुलबैक मिला फिर मार्केट पंप करेगी, तो कुछ लोग यहाँ पर हैवी अमाउंट में एंट्री करेंगे। साथ में ही ये जो होगा ना, ये व्यक्ति जिसने यहाँ पे एंट्री किया, इसका जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, वो अपना स्टॉप लॉस को पता क्या करेगा, छोटा पुल बैक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे लगा देगा, स्टॉप लॉस ट्रिल कर देगा, जिसे हम लोग ट्रिलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा करके यहाँ पर कर देगा। ये सब भी क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस को हटा करके यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि अक्सर लोग करते हैं भाई, अगर आप लंबा अगर टारगेट अगर आपने लंबा सोचा है तो हमेशा क्या करते हैं लोग, अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हैं, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगी, आएगी आएगी आएगी, जितने भी लोग हैं सारा के सारे का, जितने भी इधर पहली बार जितने लोग नजदीक में एंट्री बनाया सबका स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा, सबका मार्केट स्टॉप लॉस ले लेगी, साथ में जिसने पर नीचे से ट्रेड किया था उसका स्टॉप लॉस मार्केट ले लेगी। साथ में कुछ लोग होंगे भाई जिन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं किया होगा, यहीं पर स्टॉप लॉस छोड़ दिए होंगे, वो मार्केट में डर भी तो जाएंगे, डर के पोजिशन क्लोज कर देंगे। ऐसा आपके साथ ही बहुत बार हुआ होगा कि आप लोगों ने एंट्री लिया, ठीक है, आपको दिख रहा है, आपको जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, फिर क्या हुआ कि अब आपको मार्केट नीचे आने लगे, अब डरने लगे, आप क्या करोगे, डरने लगोगे, और बीच में एकदम जब आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है आप उसी वक्त में प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते हो, ऐसा आपके साथ में बहुत बार हुआ होगा। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मार्केट आपको डराती है, मार्केट क्या करती है, वो पुलबैक मार्केट देती क्यों है, आप लोगों को डराने के लिए, आप लोगों का स्टॉप लॉस लेने के लिए। देखो समझो इस बात को, पुलबैक दे कौन रहा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्यों है मार्केट में, पैसा बनाने के लिए है। अब पैसा उसको कैसे मिलेगा, आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने से मिलेगा, आप लोगों को डराने से मिलेगा। अब आप लोग का स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, मार्केट पुलबैक देगी आप लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जितने भी लोग बीच में एंट्री, क्योंकि देखो एग्जैक्ट जहां से मार्केट पंप करती है वहां पर लोग एंट्री नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मान लो यहां से मूव करेगी ऊपर की तरफ, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अब मान लो ये आपका कर दी बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग करेंगे, अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे यहीं पर लगा देंगे, साथ में क्या होगा, फिर मार्केट क्या करेगी, थोड़ा बहुत पुलबैक देगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ पर लोग एंट्री बनाएंगे, अपना स्टॉप लॉस क्या यहीं पर लगाएंगे। साथ में यहाँ से कुछ लोग एंट्री बनाए होंगे, ठीक है, वो अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल कर देंगे इधर, ठीक है। कुछ लोग इधर से एंट्री किएंगे, कुछ लोग इधर से एंट्री किएंगे, फिर मार्केट वहां से आएगी, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ से एंट्री किया था सारा स्टॉप लॉस ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट नीचे आएगी आएगी। अब कुछ लोग मान लो अगर स्टॉप लॉस ट्रिल नहीं किया वो डर जाएंगे और बाकी सबका तो स्टॉप लॉस पक्का मार्केट हिट करके निकल जाएगी। इसीलिए पुलबैक हमेशा मार्केट देती है, इसीलिए है कि जितने भी लोग बीच मार्केट में एंट्री किए सबको हटा देगी, जो लोग स्टार्टिंग में एंट्री किए हो पक्का अपना स्टॉप लॉस ट्रिल किए, आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर आपको ड्रा करके मार्केट निकाल देगी। अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रिल नहीं किया है आप डर करके मार्केट से निकल जाओगे, आप क्या डर करके मार्केट से निकल जाओगे, इसीलिए मार्केट हमेशा इस तरीके से चलती है आपका, ठीक है, न कि इस तरीके से। अब समझना बात को कि यहां पर क्या होता है, मान लो अगर मार्केट अगर कहीं पर अगर इस तरीके से चली है, इस तरीके से अगर चली, तो सोचना कि जिसने भी यहां से लॉन्ग किया है, ठीक है, वो अपना स्टॉप लॉस क्या करेगा यहां पर लगा देगा, ठीक है। और भी जितने भी लोग इधर से इधर से इधर से इधर से, सबका स्टॉप लॉस क्या होगा, पड़ा हुआ होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस उसका पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली है कि मार्केट जब अपना स्टॉप लॉस, जब सारे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है और यहाँ पर पूरा खाली जगह है, इसी को बोलते हैं इम्बैलेंस ना, और इम्बैलेंस के अंदर एक ऐसा जगह होगा जहां पर एक बार वीक भी नहीं आई। अब मेरा बोलने का यहां पर मतलब है, अब यहां पर थोड़ा सा समझना इस बात को, ठीक है।
देखो यहाँ पर जब मैं इम्बैलेंस जब मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा बस यहाँ पर आप लोग गौर फरमाना, ठीक है ना। गौर से आप लोग एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देखना कि देखो ये एक ऐसा एरिया है ना, ठीक है, ये एक ऐसा एरिया जहां पर एक बार वीक भी नहीं आया, थोड़ा बहुत भी एक होता है। देखो इधर क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत, चलो मार्केट डराते उड़ाते हुए जा रही है, यहाँ पे एक बार भी वीक नहीं आया है। ठीक है, होता है ना जब कैंडल बनती भी है ना, कैंडल बनती उस वक्त में भी ऊपर नीचे इसी तरह होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी। आप लोग जा करके काम करना, 1 मिनट का चार्ट लगाना और देख लेना, तब आपको समझ में आएगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह होते रहते। और यहाँ पर एक बार भी आपका कैंडल नहीं आई, तो जहां पर भी एक बार भी आपका कैंडल नहीं आया ना, इसका मतलब वहां से जितने भी लोगों ने लॉन्ग किया होगा, यहां से बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग किया होगा, उन सबको मार्केट डराने तक नहीं गई, छोटा सा भी डराने के लिए नहीं गई है। ठीक है, और ये खाली जगह लोगों को लगता है, ठीक है, लोगों के साइकोलॉजी को ये चीजें हिट करती हैं। ठीक है, ये जगह क्या होता है, पूरा का पूरा खाली होता है, इसीलिए मार्केट क्या करती है, आती है और यहां पर सबसे हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस रहता है। इस बात को समझ लो, स्टॉप लॉस देखो जैसे कि मैं बताता हूं, ये खाली जगह है, ठीक है, एक बार भी अगर देखो वीक आती ना, तो मान लो कि देखो एक बात समझना इस बात को, मान लो किसी ने क्या होता है ना, किसी ने यहां से लॉन्ग किया, किसी ने क्या किया, यहां से आपका लॉन्ग किया, यहां से लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस क्या रखेगा, कैंडल के नीचे रखेगा। कैंडल के क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैंडल के नीचे रखते हैं, अब मार्केट यहां डायरेक्ट ऊपर चले गए, एक बार भी उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं है। ये होता है ना, एक बार भी आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं है, तो यहां पर एक खाली जगह बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, खाली जगह बन जाता है। साथ में जितने भी लोग इधर से लॉन्ग करेंगे, ये खाली जगह लोगों को जो है लोगों के साइकोलॉजी को थोड़ा ज्यादा हिट करता है। ठीक है, और लोग भी अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और ये खाली जगह पे पेंडिंग ऑर्डर भी रहता है, जितने भी लोगों ने यहाँ से मान लो बाद में बाय करने के लिए यहाँ पर ये ऑर्डर लगा दिया होगा, उसका ऑर्डर भी नहीं फुलफिल हुआ। ठीक है, इसीलिए मार्केट क्या करती है, आपका एफबीजी को हिट करती है, आपका एफवीजी पे फेयर वैल्यू गैप पे क्या होता है, मार्केट आपका आती है, इंबैलेंस को मार्केट फील करने के लिए आती है, क्योंकि यहां पे होता है आपका स्टॉप लॉस, यहां पे होता है लोगों का एंट्री। ठीक है, यहां पर होता है लोगों का पेंडिंग ऑर्डर, समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, देखो यहां पर क्या, जितने भी लोगों ने यहां से लॉन्ग किया उसका स्टॉप लॉस तक यहां पर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो मार्केट लोगों को डराने के लिए, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट जेंटली आती है, और एफवीजी पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होता है, इंटरनल लिक्विडिटी पड़ा हुआ रहता है, याद रखना इस बात को, एफवीजी पे क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी पड़ा हुआ होता है। चलो इस बात को भी यहां पर मैं समझाता हूं आपको। देखो यहां पर मैंने लिख दिया है कि एफवीजी पे होता क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी होता है। ठीक है, अभी और आऊंगा अभी डीपली में, डोंट वरी। तो यहां से समझ में आया कि एफवीजी पे एक्चुअल में होता क्या है, लिक्विडिटी होता है। एफवीजी में क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, फेयर वैल्यू गैप पे क्या होता है आपका, लिक्विडिटी होता है। ठीक है, वहां पर लोगों का स्टॉप लॉस होता है, जो कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आती है। ठीक है, ओके, अब समझना कि मार्केट चलती कैसे है। मान लो मार्केट यहां से पंप किया, ठीक है, ये हुआ आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मतलब क्या, 1 आवर या बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस का एरिया, ये क्या आपका बड़े टाइम फ्रेम का आपका स्टॉप लॉस का एरिया है। मार्केट क्या करेगी, आपका सबसे पहला काम क्या करेगी, जाएगी बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस का एरिया पहले लेगी, फिर मान लो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का आपका सपोर्ट है, इसके नीचे क्या है, स्टॉप लॉस है आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम का, फिर मार्केट क्या करेगी, पहले अपना एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी एरिया होगा उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, इंटरनल लिक्विडिटी लेगी। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी लेगी, फिर मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, फिर मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा मार्केट बोलेगी, फिर मार्केट क्या करेगी, इधर कुछ इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी लेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी इसके ऊपर का एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर मार्केट इंटरनल एक्सटर्नल करते हुए मार्केट चलती है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यह है कि देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो मार्केट को चला रहे हैं, वो अप ट्रेंड में है, मार्केट को वो लॉन्ग कर रहे हैं, बट बात ये है ना कि वो मार्केट को जहां भी लेकर के जाएंगे इनका पैसा बनना चाहिए, बात समझ रहे हो। तो ये ऊपर नीचे सारे लोगों का क्या, रिटेलर्स का ट्रैप करते हुए, उनका पैसा लेते हुए मार्केट को लेकर के जाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्केट हमेशा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में चलती है, और फेयर वैल्यू गैप पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका स्टॉप लॉस, बट ये होता है इंटरनल स्टॉप लॉस, छोटा मोटा स्टॉप लॉस होता है, कोई बड़े टाइम फ्रेम का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं होता, कुछ बड़ा अमाउंट में स्टॉप लॉस आपका नहीं, हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस नहीं होता, एक्सटर्नल स्टॉप लॉस इसको नहीं, इसको इंटरनल स्टॉप लॉस, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोला जाता है। ठीक है, आई होप गाइज, उम्मीद करते
करता हूं कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। गाइज अगर समझ में आ रहा है तो गाइज वीडियो पे यार जल्दी से भी तुरंत का तुरंत गाइज लाइक करो, हमारा एम है 250 लाइक का। आप देख सकते हो ये वीडियो आप लोगों का बहुत ही ज्यादा डिले आया है, रीजन पता है, क्योंकि पिछला वीडियो आप लोग देख लो, आप लोगों ने टारगेट पूरा नहीं किया, इसीलिए ये वीडियो 4 दिन पे आ रहा है। अगर गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि यार एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो, तो गाइज टारगेट पूरा करो यार, 250 लाइक का टारगेट पूरा करो और 2 शेयर का टारगेट पूरा करो, ठीक है। 2 शेयर करो, 250 लाइक करो और प्लीज गाइज 1 कमेंट कर दो, ठीक है। साथ में ही बोलना चाहूंगा गाइज कि अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ में सीखना चाहते हो गाइज, वो भी लाइव मार्केट में मेरे साथ में, तो गाइज हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है जहां पर गाइज मात्र 15 स्टूडेंट होंगे। कंप्लीट ट्रेडिंग में आपको 1-to-1 हो करके, आमने सामने होकर के मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको मैं अपने साथ में 2-3 महीने ट्रेड कराऊंगा। साथ में ही गाइज यहां पर यार मैं गारंटी लूंगा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का, फी भी हमारा बहुत कम है। और साथ में गाइज मैं अपना पर्सनल गाइडेंस आपको दूंगा, आपका क्लास में आपका पूरा अच्छे तरीके से माइक ऑन रहेगा, नोट्स बुक्स एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स वेबसाइट्स होंगे, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स डाटा होंगे, वो सब कुछ मिलेगा। हाथ पकड़ के कंप्लीट मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा। अगर आप लोग इंक्वायरी चाहते हो क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, डीपली में सब कुछ जानना चाहते हो, नंबर यहां पर दिख रहा होगा, कॉल करके आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो गाइज देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि आखिर मार्केट हमेशा रिवर्स क्यों करती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है इंटरनल लिक्विडिटी होता है, लिया फिर मार्केट क्या करेगी एक्सटर्नल में जाएगी, ठीक है। इसीलिए एक्सटर्नल से इंटरनल होते हुए मार्केट, इसीलिए मार्केट क्या होता है फेयर वैल्यू गैप से आपका मार्केट क्या करेगा रिवर्स कर जाता है, रिवर्स कर जाता है आपका फेयर वैल्यू गैप से। ओके ओके गाइस, अब हमारे पास में है कि आखिर टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप, कितने तरह के फेयर वैल्यू गैप के टाइप्स होते हैं, बीसी सेबी साथ में ही गाइस अगर मैं बात करूं तो आपका कंसीक्वेंट इंक्रीजमेंट क्या होता है, सी क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, एफडीजी फील क्या होता है, ठीक है, कौन सा हमारा किस पे हमें ट्रेड करना है, एग्जैक्ट वो एरिया में से कौन सा एरिया पे हमें ट्रेड करना है, कैसे हमें समझना है। साथ में बात करूं वीक आपका फेयर वैल्यू गैप कौन सा होगा, स्ट्रांग कौन सा होगा, ठीक है, एक कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपका काम करेगा। साथ में अगर मैं बात करूं प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन कौन सा हमें देखना है, ठीक है ना, बहुत कुछ गाइस स्ट्रेटजी से लेकर के बहुत कुछ अगर मैं बात करूं बहुत कुछ यहां पर है, पर गाइस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ये वीडियो पे हम लोग वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जल्दी से गाइस वीडियो के टारगेट को पूरा कर दो, परसों वीडियो आ जाएगा, ये जान जाओ कि एक्साइटमेंट बनाए रखो बहुत कुछ, और लास्ट में मैं इसे मैं अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, दिखाऊंगा कि यार एफवीजी अगर आपने सीख लिया ना आपका लेवल ट्रेडिंग में यहां से लेकर के यहां तक आ जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।